हेलो फ्रेंड्स, कई महिलाएं हमारे पास आती हैं और ये शिकायत करती है कि उनकी योनि से बदबू आती है या वजाइना की तरफ से किसी प्रकार की स्मेल आती रहती है जो उनको बड़ी अनकंफर्टेबल लग। कई बार उनके पार्टनर्स की भी शिकायत होती है कि योनि से या निचले हिस्से से किसी प्रकार की स्मेल आ रही है। तो आपके दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और मैं इसका निजात कैसे पा सकती हूँ। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको इन्हीं के बारे में बात करने जा रही हूँ कि आखिर योनि से बदबू आने के क्या कारण हो सकते हैं और उसका क्या इलाज है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बदबू आना कई बार सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कि एग्जैक्टली बदबू हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं हो सकती। कई बार अपने बॉडी ऑर्डर होता है कि सबका अपना अपना स्पेसिफिक होता है, हाँ, लेकिन उसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया जा सकता है और कुछ रेमेडीज से उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया जाता है। अब यदि आपको कंटिन्यूअसली लगातार स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया हो। यदि आपको लगता है कि कॉन्स्टेंटली आपकी वजाइना से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो किसी मटमैले रंग का है या क्रीमिश वाइट है या दही जैसा है या आपको ईचिंग और खुजली और जलन वगैरह हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो यदि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और इन्फेक्शन के लिए हमने पहले भी आपको बताया हुआ कि स्वाब कल्चर, नीचे से कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट लिया जाता है और जब कल्चर में बैक्टीरिया का रिपोर्ट आता है और जो एंटीबायोटिक आती है उसी के हिसाब से इलाज किया जाता है। अननेसेसरली अंदाजे से एंटीबायोटिक खाने का कोई मतलब नहीं है, उसे हमेशा नुकसान ही ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। इसके अलावा कुछ नीचे लगाने की वजाइनल टैबलेट्स भी आती है जिससे कि लोकल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब यदि डिस्चार्ज में आपको बदबूदार डिस्चार्ज तो है लेकिन साथ में किसी प्रकार का बैक्टीरिया अगर उसमें नहीं आता है और सिंपल डिस्चार्ज आ रहा है तो हो सकता है कि वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कल्चर में फिर फंगस का कल्चर भी करवाना पड़ जाता है और कई बार उसका स्लाइड टेस्ट भी होता है जिससे ये पता चलता है कि किसी और प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। जब भी आपको लगता है कि बदबू आ रही है या डिस्चार्ज आ रहा है तो पहले इन्फेक्शन को रूल आउट करना ज़रूरी होता है। और यदि इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है या इन्फेक्शन ठीक हो गया है तो उसके बाद भी यदि पानी आता है तो नीचे का पैप स्मियर टेस्ट होता है जो सर्वाइक्स का अपन लोग कैंसर को रूल आउट करने के लिए करते हैं, तो वो टेस्ट भी कराया जा सकता है जिससे कि ये पता चल जाए कि और कोई बड़ी बीमारी नहीं बन रही है। और हर 3 साल में हर लेडी को पैप स्मियर ज़रूर करवाना चाहिए। और यदि फिर भी अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं या प्रॉब्लम रहती है बार बार तो एक सोनोग्राफी आप ज़रूर करवा सकती हैं, क्योंकि कई बार बच्चेदानी के अंदर मांस बढ़ने के कारण या बच्चेदानी के मुंह पर किसी प्रकार के घाव या अल्सर बनने के कारण भी डिस्चार्ज बन जाता है। और जब वजाइना के अंदर या आसपास के एरिया में गीलापन रहता है तो कई बार फंगल इन्फेक्शन या नमी के कारण एक ऑडर डेवलप हो जाती है या स्मेल डेवलप हो जाती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। अब यदि फिर भी आपको परसिस्टेंट स्मेल रहती है तो डेफिनेटली इसके एंटीबायोटिक्स आप ले सकती हैं, वजाइनल टैबलेट्स आप ले सकती हैं। इसके अलावा आप जो नॉर्मल प्यूबिक वॉश आते हैं, जो लोकल वॉश करने के लिए आते हैं, लैक्टोबैसिलस वाले जेल आते हैं, वो आप यूज़ कर सकती हैं जिससे कि लोकल एरिया को आप क्लीन रखें, हाइजीनिक रखें और ड्राई रखें। इसके अलावा यदि आपको डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है तो आप पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकती हैं जिससे कि गीलापन वो एब्जॉर्ब कर ले और गीलापन ना रहे, ताकि किसी प्रकार के इन्फेक्शन को वो बढ़ावा ना दे। और इसके साथ ही कुछ पाउडर आते हैं, मेडिकेटेड पाउडर होते हैं जो कि आप लोकल एरिया में स्प्रिंकल कर सकती हैं जिससे कि गीलापन ख़त्म होता है और कोई फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा और ड्राइनेस बनी रहेगी। इसके साथ ही कुछ एक प्रकार के स्प्रे भी आते हैं जो ऑडर कंट्रोल करते हैं और हाइजीन को मेंटेन रखते हैं, तो वजाइनल डिओड्रेंट भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ ही आपको कई बार किसी एंटीसेप्टिक यूज़ करने की सलाह भी दी जाती है, बट हमारी राय ये है कि किसी प्रकार का डेटॉल या सेवलोन या इस प्रकार के जो एंटीसेप्टिक लोशंस होते हैं वो यूज़ ना करें, क्योंकि इनमें केमिकल होता है और नीचे का जो स्किन होता है वो बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होता है, तो कई बार इनके कारण केमिकल एलर्जी हो सकती है, जलन हो सकती है और अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो सिंपल पानी के साथ ही आप वॉश करिए और सिंपल पानी के साथ में आप जो स्पेसिफिक वॉश आते हैं, जो वजाइनल वॉश आते हैं, वो ही आप यूज़ करिए। इनके अलावा आपको कुछ और यूज़ नहीं करना होता है कि जैसे कि साबुन, डिटॉल, सेवलॉन या और किसी प्रकार का बीटाडीन या केमिकल नहीं यूज़ करने होते हैं, ये अपने को नुकसानदेह हो सकता है। और कई बार ये जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उसको भी डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। और यदि आप वजाइनल वॉश भी इस्तेमाल कर रही हैं तो उनका भी रोज़ इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है, हफ्ते में 2 से 3 बार आप उन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। और हाइजीन मेंटेन रखने के साथ ही साथ अपना नॉर्मल ध्यान भी आप रख सकती हैं, यानी कि आप अच्छा खाना पीना रखिए, हरी सब्जियां खाइए, पानी खूब सारा पीजिए,
दही की मात्रा बढ़ा दीजिए जिससे कि आपका लैक्टोबैसिलस का फ्लोरा बना रहे, और अपना योगा और मेडिटेशन भी आप साथ में करते रहिए और अच्छे तरह से खुश रहिए और अपने और अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली आप ये जो प्रॉब्लम आपको अभी फेस करनी पड़ रही है वो आगे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।